नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अलगाववादी समर्थक व पंजाब पुलिस की तरफ से भगोड़ा घोषित किए गए अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार जारी है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और दबिश दे रही है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस चप्पे चप्पे पर अमृतपाल की तलाश के लिए पोस्टर लगा रही है। जी हाँ, आज गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए। ये पोस्टर स्टेशन के हर एंट्री गेट के साथ प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से कहा गया कि अमृतपाल सिंह कई केसों में वंचित है और उसे पकड़ने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये पोस्टर जीआरपी की तरफ से लगाए गए हैं, जिन पर जीआरपी अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। इन पोस्टरों में अमृतपाल की तस्वीर के साथ साथ सूचना देने के लिए नंबर और इनाम की घोषणा भी की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरदासपुर और बाटला में रेलवे स्टेशनों पर भी अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए गए। अभी तक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वे बैसाखी के अवसर पर अपने आप को सरेंडर कर सकता है। चर्चा है कि श्री हरि मंदिर साहिब, श्री दमदामा साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में वे सरेंडर कर सकता है। अलगाववादी समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा है। करीब 27 दिनों से लापता अमृतपाल और अभी तक वह कोई उसका ठिकाना नहीं है। ठिकाने बदल चुका है, कई ठिकाने बदल चुका है। इतना ही नहीं, दो बार वह वीडियो भी जारी कर चुका है। कुछ दिन पहले ही उसके साथी पपलप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अमृतपाल को कुछ पता करने के लिए पुलिस जितनी भी जितोड़ मेहनत कर रही है वो लगी हुई है। जांच कर रही है, पपलप्रीत से पूछताछ कर रही है, पोस्टर लगा रही है। ऐसे में देखना है पंजाब सरकार की ये पोस्टर नीति काम आती है या अमृतपाल अपनी मर्जी से ही सरेंडर करेगा, ताकि लोगों के दिलों में वो हमेशा के लिए मसीहा बन सके। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।